जय सच्चिदानंद मित्रों, आज हम कोरोना महामारी को सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। क्या पता शायद वहीं पर इस महामारी का हमें समाधान मिल पाए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो के प्रारंभ में दिया हुआ लीगल डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए। तो मित्रों, इन दिनों न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में यह चर्चा चल रही है कि कोरोना की थर्ड वेव कब आएगी, थर्ड वेव में शायद बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यह सारी चर्चाएं चल रही है। क्यों ना आज हम इस कोरोना महामारी को एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही परिपेक्ष में समझने की कोशिश करते हैं और उस अलग परिपेक्ष से इसका समाधान भी खोजने की क्रिया आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। शायद यह कहानी सुनने के बाद हम इस कोरोना महामारी को, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव वगैरह वगैरह को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि पहाड़ों में, काफी ऊंचाई पर, पहाड़ में काफी ऊंचाई पर एक गांव था। उस गांव के मध्य में से एक नदी पास होती थी। नदी पहाड़ के ऊपर के हिस्से से पानी लाती थी। बर्फ पिघलता था तो पानी आता था और उस गांव के थ्रू से गुजरता हुआ फिर नीचे चला जाता था। अब विडंबना ऐसी थी कि जब बरसात का मौसम होता था तब एक साथ ढेर सारा पानी नदी में आ जाता था और गांव में बहुत सारी तबाही मचा देता था और फिर पानी नीचे मैदानों में उतर जाता था। और जब बरसात खत्म हो जाता था तब गांव में पानी की किल्लत हो जाती थी। लोगों को खेतीबाड़ी के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता था क्योंकि पानी जो था वो आया और नीचे उतर गया। तो बरसात के दिनों में बाढ़ की समस्या और बरसात के बाद के दिनों में पानी न होने की समस्या। गांव में ज्ञानी आए और ज्ञानी ने कहा कि आज से 4 महीने के बाद बहुत भीषण बाढ़ आने वाली है और उस बाढ़ में इतनी भीषण वो बाढ़ होगी कि हो सकता है कि पूरा गांव तबाह हो जाए। आप लोगों के पास अभी भी 4 महीने का समय है। आप लोग जो भी बचने का करना चाहते हो कर लीजिए। तो काफी लोगों ने कहा कि हम ये गांव ही खाली कर देते हैं और हम नीचे मैदानों में जाके बस जाते हैं, अपना पूरा घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे बस जाते हैं। फिर सोचा हम तकलीफों से इस तरह कैसे भागते रहेंगे। हो सकता है नीचे मैदानों में फिर और कोई नई समस्या आ जाए तो फिर वहां से भी हम भागेंगे तो और कहां भागेंगे, फिर भागेंगे फिर समस्या आएगी। तो भागने से कोई भी समस्या का समाधान या हल नहीं होता। समस्या से बचना है तो समस्या को सुलझाओ। तो उन्होंने कहा हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर पाए ताकि अगर बहुत भीषण बाढ़ आए तो भी हम लोग सुरक्षित रह पाए। बहुत सोच विचार के बाद वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हम गांव में एक बहुत बड़ा बांध यानी कि डैम बना देते हैं, बहुत बड़ा। तो बरसात की सीजन में या बाढ़ में जब भी पानी आएगा तो सबसे पहले वो बांध को
भर देगा, वो डैम को पूरी तरह से भर देगा। उसके बाद जब पानी ज्यादा हो जाएगा जरूरत से, तो हम लोग उस बांध के दरवाजे खोल देंगे, तो पानी एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित मार्ग से नीचे उतर जाएगा। और हम एक मार्ग भी बना देंगे जिससे वो जो पानी है वो गांव में से बिना किसी को नुकसान पहुंचाते हुए उस निश्चित मार्ग से नीचे की ओर निकल जाए। सब लोगों ने जी जान से मेहनत की, बांध भी बना दिया, बहुत बड़ा सरोवर भी बना दिया जिसमें पानी आएगा, और रास्ता भी बना दिया जिससे पानी, नदी का पानी बिना गांव को डिस्टर्ब किए बह जाएगा और नीचे चला जाएगा। बरसात की सीजन आई, जैसे पानी आया, पहले सरोवर भरा, पहले बांध का जो सरोवर था वो पूरा भर गया। जब पानी ज्यादा हो गया, दरवाजे खोल दिए, तो सुनिश्चित मार्ग से पानी बिना नुकसान पहुंचाए हुए निकल गया। लोग इंतजार कर रहे हैं कब वो बाढ़ आएगी, कब वो भीषण बाढ़ आएगी, लेकिन कोई बाढ़ वगैरह आई नहीं। और ज्ञानी जी तो चले गए थे उसके बाद, लेकिन एक फायदा ये हो गया इस पूरी प्रक्रिया से कि जब बरसात खत्म हो गया तब भी गांव वालों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी था जिससे वो लोग अपनी खेती बहुत अच्छे से कर पाए। उस साल सारे गांव वालों को खेती के माध्यम से बहुत अच्छी आमदनी हुई। दूसरा साल आया, फिर बरसात आया, बांध में पानी भरने लग गया, और एक दिन बिना किसी वार्निंग के भयंकर बाढ़ आ गई दूसरे साल। लेकिन इस वक्त गांव वालों ने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी। पानी आया तो सबसे पहले सरोवर में आया, बांध में आया। जब बांध भर गया, सरोवर भर गया, दरवाजा खोल दिया, पानी सुनिश्चित मार्ग से नीचे की ओर चला गया। इतनी भीषण बाढ़ भी गांव वालों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उसके कुछ समय बाद ज्ञानी जी आए और लोगों ने कहा, ज्ञानी जी आपने तो गए साल कहा था कि बाढ़ आएगी, आई नहीं, लेकिन इस साल बाढ़ आई। ज्ञानी जी ने पूछा, क्या हुआ फिर, क्या फर्क लास्ट दो सालों में हो गया? आप सब लोग इतने अभी अमीर दिखते हो, आप सबके घर इतने अच्छे हो गए हैं, आप सबके कपड़े इतने अच्छे हो गए हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छी स्कूल्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, पूरी गांव की शक्ल ही बदल गई। रानी ने कहा, मैं चाहता था कि आप लोग सारी विपदाओं के लिए तैयार हो जाए। बोला, अगर मैं नहीं कहता कि बाढ़ आने वाली है तो आप लोग तैयारी नहीं करते, और फिर वही होता, बाढ़ आती, आप लोगों का नुकसान हो जाता, बरसात खत्म हो जाता, आपके पास पानी नहीं रहता, और आप वही मजबूरी के हालात में जिंदगी बसर करते। कुछ समझ में आया मित्रों इस कहानी से? कोरोना की तीसरी लहर आए ना आए, क्या हम और हमारे बच्चे उसके लिए प्रिपेयर्ड यानी के तैयार न हो जाए, ताकि फिर वो आए तो भी हमें नुकसान पहुंचाए बिना, या कम से कम नुकसान पहुंचाकर चली जाए? बस यही हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे बढ़े मित्रों, अगर हमें कोरोना की महामारी को समझना है तो सबसे पहले हमें थियरी ऑफ सर्वाइवल को समझना पड़ेगा। थियरी ऑफ सर्वाइवल बेसिकली क्या कहता है? थियरी ऑफ सर्वाइवल यह कहता है कि जब वातावरण अनुरूप हो,
जब वातावरण कंड्यूसिव हो तो ही फिर ऑर्गेनिज्म यानी जीवन वहां पर अपनी कॉलोनी बनाता है. ओनली व्हेन द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर कॉलोनीज इनसाइड दैट एनवायरनमेंट. तो मित्रों, इसका मतलब कि पूरा समाधान बाहर नहीं है, शायद पूरा समाधान हमारे भीतर ही है. क्या हम हमारे शरीर को इस तरह से बनाएं कि हमारा शरीर किसी भी वायरस को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए कंड्यूसिव यानी अनुरूप ना हो? सोचिए, कैन वी नॉट मेक आवर बॉडीज सच दैट आवर बॉडी इज नो मोर कंड्यूसिव फॉर एनी वायरस एनी इंफेक्शन टू मेक देयर कॉलोनीज विद इन आवर बॉडी. जब हमारा शरीर कंड्यूसिव या अनुरूप होगा तभी तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करके अपनी कॉलोनी बनाएगा. अगर हमारा शरीर ही कंड्यूसिव नहीं रहेगा तो कैसे बना पाएगा, है ना? तो जब हम इस महामारी का समाधान ढूंढ रहे हैं तो शायद हमें यह समाधान थियरी ऑफ सर्वाइवल के माध्यम से भी ढूंढना पड़ेगा. थियरी ऑफ सर्वाइवल ही हमें शायद सही रास्ता दिखा पाएगी कोरोना महामारी से समाधान ढूंढने का. हमारा जो सनातन धर्म है, शायद सनातन धर्म के मूड में भी इस महामारी से बचने का रास्ता है. सनातन धर्म क्या कहता है कि वह धर्म जो आज से लाखों वर्ष पहले सही था वह आज भी सही है और आज से हजारों लाखों वर्ष के बाद भी सही रहेगा. तो क्या हमारे जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं वह भी इस तरह के न हो कि वह हजारों साल पहले भी वैलिड थे, आज के परिपेक्ष में भी वैलिड है और आज के बाद हजारों साल के बाद भी वह प्रोटोकॉल्स वैलिड रहेंगे? क्या हमारे पास कुछ ऐसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स नहीं हो सकते हैं क्या कि जो कोरोना महामारी के पहले भी उतने ही लाभकारी और उपयोगी है? अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं, कोरोना के अंदर हैं, कोरोना के महामारी के भीतर हैं, तभी भी वह प्रोटोकॉल्स उतने ही लाभदायक और हितकारी हैं और कोरोना महामारी खत्म होने के बाद भी वह प्रोटोकॉल्स उतने ही लाभकारी और उपयोगी रहेंगे. अब सोचिए, क्या आप टाइफाइड की दवाई टाइफाइड होने के पहले खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते. जब आपको टाइफाइड होता है तब आप वह दवाई खाते हैं और जब आप टाइफाइड से अच्छे हो जाते हैं तो टाइफाइड के बाद फिर वह दवाई आप खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं. तो क्या फिर यह प्रोटोकॉल्स सनातन है क्या? सोचिए, हेल्थ प्रोटोकॉल्स तो शायद ऐसे होने चाहिए कि जो कल भी वैलिड थे आज भी वैलिड है और आने वाले कल में भी वैलिड रहेंगे. हमने हमारा पूरा ध्यान यही थियरी ऑफ सर्वाइवल और सनातन धर्म के परिपेक्ष में इस महामारी का समाधान ढूंढने की कोशिश की है.
और वही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। भागना समाधान नहीं है। किसी भी मुश्किल को सॉल्व करना, सही डायरेक्शन से सॉल्व करना ही शायद परमानेंट समाधान है। आज कोरोना है, कल को उठ के छगन भाई होगा, परसों उठ के मगन भाई नाम का वायरस आएगा, तो कब तक हम इसी तरह से करते रहेंगे? क्या हम हमारा शरीर ही ऐसा ना बना दे कि आज कोरोना है, कल छगन भाई नाम का वायरस आए, परसों मगन भाई नाम का वायरस आए, तो भी हमारा शरीर कंड्यूसिव ही नहीं है, अनुरूप ही नहीं है उस वायरस को हमारे शरीर के अंदर अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। और वही प्रोटोकॉल्स सनातन रहेंगे जो महामारी के पहले भी वैलिड है, महामारी के दौरान भी वैलिड है, और महामारी के बाद में भी वैलिड है। समझ में आ रहा है मित्रों? तो हमने 7 प्रोटोकॉल्स ऐसे बनाए हैं जो हमें शायद इस कोरोना महामारी में स्वास्थ्यपूर्ण रहने में, समाधान की स्थिति में रहने में हेल्पफुल करें। मित्रों, हम किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं आप गवर्नमेंट की हर गाइडलाइंस फॉलो करें, डॉक्टर की हर गाइडलाइंस फॉलो करें। हम किसी भी मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ नहीं है। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं आपको वो जो भी करना है करिए, जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो करिए, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स को भी आप अपने जीवन में लाइए ताकि आप महामारी के पहले भी सुरक्षित रहेंगे, महामारी के दौरान भी सुरक्षित रहेंगे, और महामारी के बाद भी सुरक्षित रहेंगे। द सनातन वे टू रिमेन हेल्दी, स्वास्थ्यपूर्ण रहने का शायद सनातन मार्ग। अब ये अपन हम एक एक सोच लेते हैं कि क्या थर्ड वेव आएगी, क्या फोर्थ वेव आएगी। मुझे नहीं पता वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन फिर से इसी पॉइंट को हम थियरी ऑफ सर्वाइवल के हिसाब से सॉल्व करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वही जो वो जो हमने गांव का एग्जांपल लिया था, वहां पर कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि अब वहां पर रहा नहीं जा सकता। वहां पर मान लीजिए कुछ ऐसा आया कि ग्लेशियर ही सूख गया, या वहां से वो नदी आना ही बंद हो गई, मतलब पानी की बिल्कुल वहां पर किल्लत हो गई। अब लोगों को निर्णय लेना है कि हमारे पास पानी नहीं है, नदी भी नहीं है, वो ग्लेशियर भी शायद सूख गया है, अब पानी आने की कोई संभावना नहीं है, तो क्या हम नीचे मैदानों में शिफ्ट होए कि नहीं होए? अब मैदान में शिफ्ट होना है, पहाड़ों के ऊपर तो अच्छी ठंडी हवा रहती है, वातावरण भी एकदम ठंडा रहता है, नीचे मैदानों में तो गर्मी भी बहुत होगी। तो अब आपको निर्णय लेना होगा कि हम पानी के बिना जी सकते हैं या ठंडी का जो हमारा बॉडी यूज्ड टू है उसे छोड़कर हम गर्मी के क्षेत्र में भी रहने की कोशिश करें या वहां पर रहें। क्या निर्णय लेंगे? आप बोलेंगे ना ठीक है, हम वहां नीचे मैदान में भले गर्मी का माहौल है, क्षेत्र है, हम वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। यह जो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है ना दोस्तों, यही शायद म्यूटेशन कहा जाता है। अब जैसे हम जिस तरह से सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से वायरस भी तो सरवाइव करने की कोशिश करेगा। वह भी तो बेचारा सरवाइव होने के लिए ही अपनी कोशिश कर रहा है। तो शायद हो सकता था पहले वायरस एजेड लोगों को पकड़ता था, 70 के ऊपर के लोगों को पकड़ता था, क्योंकि उनका बॉडी कॉलोनी बनाने के लिए अनुरूप था।
अब हमने क्या किया, उन सारे 70 के ऊपर को जिनको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज भी थी, जैसे डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, उनको हमने वैक्सीन लगाना चालू कर दिया। तो अब उनका शरीर कंड्यूसिव नहीं रहा, तो वायरस भी तो एडजस्ट करेगा, म्यूटेट करेगा। वह अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करने लग गया कि वह छोटी उम्र वाले को पकड़ने लग गया, तो 45 से 60 साल के लोगों को पकड़ने लग गया। शायद वही सेकेंड वेव में हुआ होगा। अब हमने 45 से 60 को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया। अब उनका शरीर भी कॉलोनी बनाने के लिए कंड्यूसिव नहीं रहा, तो वायरस तो फिर से म्यूटेट करेगा, फिर से एडजस्ट करेगा और नीचे उतरेगा। अब हम उनको भी 18 साल के ऊपर को भी वैक्सीन करेंगे, वायरस क्या करेगा, फिर से सर्वाइव करने के लिए और नीचे जाएगा, जिनका शरीर कॉलोनी बनाने के लिए कंड्यूसिव है। और एक ऐसा कहते हैं कि जब तक 70% ऑफ पॉपुलेशन को वह बीमारी हो नहीं गई हो, या वैक्सीन नहीं लग गया हो, या तैयार नहीं हो गए हो, तब तक यह महामारी खत्म नहीं होती। फिर उसे हर्ड इम्यूनिटी शायद कहते हैं डॉक्टर लोग। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ तत्व चिंतक हूं और हर चीज को तत्व के हिसाब से समझने की कोशिश करता हूं। तो वायरस भी तो म्यूटेट करेगा, वह भी तो नए शरीरों को ढूंढेगा जो उनके कॉलोनी बनाने के लिए अनुरूप हो। बहुत ही सहज प्रक्रिया है। तो वायरस का म्यूटेट होना बहुत ही स्वाभाविक है, नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट। तो क्या हम, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग कुछ ऐसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स अप्लाई करें ताकि हम अपने आप को स्वास्थ्यपूर्ण और सुरक्षित कर पाए? वहीं पर फिर से वो सनातन प्रोटोकॉल्स आते हैं। तो ये जो 7 प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं, वो 7 प्रोटोकॉल्स कोई भी एज वाला कर सकता है। महामारी के पहले भी कर सकता है, ड्यूरिंग भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है। वही सनातन है। बच्चों के लिए हमें शायद मात्राएं थोड़ी कम, थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। एडल्ट के लिए जो मात्रा है उससे कम मात्रा शायद बच्चों के लिए हमको अडेप्ट करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोटोकॉल्स बाय एंड लार्ज विल रिमेन द सेम। समझ रहे हैं? तो यही 7 प्रोटोकॉल्स अभी हम सीखेंगे, जिससे हम इस महामारी के पहले भी, दौरान भी और बाद में भी अपने आप को स्वास्थ्यपूर्ण, सुरक्षित रखने में सहायक हो। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अब जो 7 प्रोटोकॉल्स बनाए हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एक कन्फेशन करना चाहूंगा। ये जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं ये मैंने नहीं बनाए हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे एंशिएंट इंडियन विजडम से प्रेरित है। हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन बुक्स से प्रेरित है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन सारे प्रोटोकॉल्स को बनाया था। तो इन प्रोटोकॉल्स की अगर किसी को क्रेडिट जाती है तो वह हमारे ऋषि मुनियों को ही जाती है। ओके? तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है आमला, जिसे इंग्लिश में हम गूसबेरी भी कहते हैं। आमला के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। ऐसा कहते हैं कि संतरे के मुकाबले आमला में 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। ऐसा भी कहते हैं कि विटामिन सी बहुत हीट सेंसिटिव होता है।
लेकिन आमला ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं और आपको फायदा बहुत अच्छा होगा। तो आमला को आप कच्चा आमला खा सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में खा सकते हैं, जूस फॉर्म में ले सकते हैं, अचार के फॉर्म में ले सकते हैं, मुरब्बे के फॉर्म में ले सकते हैं। आमला कैंडी, मीठी आमला कैंडी जो बच्चों को बहुत पसंद है, आमला कैंडी के रूप में ले सकते हैं। प्रतिदिन एक आमला अवश्य ग्रहण करें किसी न किसी फॉर्म में। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायी है। तो हमारा पहला प्रोटोकॉल था एक आमले का सेवन प्रतिदिन। हमारा दूसरा प्रोटोकॉल यह है दाल, मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, राजमा की दाल हो, मठरी की दाल हो, कोई भी दाल। दाल के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है और जिंक भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। तो प्रतिदिन एक कटोरी पूरी बनाई हुई स्वादिष्ट दाल अवश्य ग्रहण करें। हमारा तीसरा प्रोटोकॉल है सुजोग पॉइंट्स। ऐसा कहते हैं कि हमारे हाथ के, हाथ का ये जो फूला हुआ हिस्सा है, ये जो फूला हुआ हिस्सा है, यहां पर कोरोना में लाभदायक सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। मैं रोज सुबह 5 मिनट और रात को सोने के पहले 5 मिनट इन पॉइंट्स पर जेंटल लेकिन फर्म एक्यूप्रेशर देता हूं। प्रेशर इतना भी ना हो कि बहुत ज्यादा हर्टफुल हो और सामने वाला चिल्लम चिल्ली करने लग जाए, बट इट शुड बी फर्म बट नॉट वेरी वेरी हर्टफुल। तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को इस फूले हुए हिस्से पर सुजोग एक्यूप्रेशर पॉइंट। चौथा हमारा प्रोटोकॉल, मेरा बहुत फेवरेट, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा किस तरह से होती है, किस तरह से लगाई जाती है? अंगूठे की टिप को सबसे छोटी वाली फिंगर और रिंग फिंगर, इनसे हल्के से जोड़ देना है। कोई जोर से प्रेशर नहीं लगाना है, कुछ नहीं, बस इसको हल्के से जोड़ देना है। बाकी की दो उंगलियां सीधी रहेगी। मुद्रा विज्ञान यह कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये 5 तत्व हमारे हाथ में है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब हम इस मुद्राओं को लगाते हैं तो हमारे ये सारे तत्व बैलेंस में आने लगते हैं। तो प्राण मुद्रा हमारे पृथ्वी तत्वों को, जल तत्वों को बैलेंस करती है। जब हमारे शरीर का ओजस बैलेंस्ड में रहता है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। और ओजस कफ के माध्यम से आता है और ओजस का फ्यूल, ओजस का ईंधन है तेजस, तेजस यानी पित्त। तब जब हम प्राण मुद्रा लगाते हैं तो हम हमारे कफ को और पित्त को बैलेंस्ड स्थिति में ले आते हैं और यह करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। प्राण मुद्रा यानी वह मुद्रा जो प्राण वायु भी बैलेंस में लाती है, और प्राण वायु को हम
इंग्लिश में क्या कहेंगे? शायद ऑक्सीजन. द मोस्ट स्पोकन टॉपिक दीज डेज. सो प्राण मुद्रा, जब भी आपका हाथ खाली हो तब आप प्राण मुद्रा लगाइए. खाने के लगभग आधे घंटे के भीतर कोई भी मुद्रा नहीं लगानी है. अदरवाइज जब भी आपका हाथ फ्री है तब आप प्राण मुद्रा अवश्य लगा सकते हैं. टीवी देखते टाइम, वीडियो देखते टाइम, पढ़ते टाइम, बातें करते टाइम, ट्रैवलिंग करते टाइम, जूम सेशंस में बैठे हुए प्राण मुद्रा लगा के बैठिए. बहुत 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 जरूरी है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल भी प्राण मुद्रा के साथ ही जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट प्रोटोकॉल कहता है कि प्राण मुद्रा को रात को टेप लगाकर सो जाइए. यह टेप, इसे मल्टीपोर पेपर टेप कहते हैं. तो इसको प्राण मुद्रा के इर्द गिर्द एक ही राउंड, हल्का राउंड, बहुत टाइट नहीं, एक ही राउंड, एकदम हल्का राउंड, बस उसको लगाकर सो जाइए. बहुत आसान है. लोग प्लास्टिक टेप लगाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर जिससे बांधते हैं वो टेप लगाते हैं, या ड्राइंग के अंदर जो मॉर्फिंग टेप हम यूज़ करते हैं वह लगाते हैं. नहीं, उन सब से आपके स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. आपका स्किन पे खुजली होगी, आपकी स्किन फट जाएगी, आपकी स्किन में से शायद खून भी निकलने लगेगा. नो, सिर्फ मल्टीपोर पेपर मेडिकल टेप. यह 20 या 30 रुपए की मिलती है, एक स्पूल होता है. ये स्पूल मेरे को लगभग एक हफ्ता चलता है. बस इसको रात को लगाइए और सो जाइए. तो जब तक आप सो रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे जितना भी आप सोते हैं, यह मुद्रा लगी रहेगी और आपके तत्व बैलेंस होते रहेंगे. पृथ्वी और जड़ बैलेंस होते रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, पहले 3 दिन आपको थोड़ा खिचखिच होगा, अणहक होगा, लेकिन 3 दिन के बाद जैसे आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी, फिर प्राण मुद्रा लगा के सोना बहुत आसान होगा. इनफैक्ट प्राण मुद्रा का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत गहरी नींद. लास्ट 1 साल से मैं और मेरा परिवार और मेरे सारे मित्र हर रोज रात को प्राण मुद्रा लगा के सोते हैं. इतनी गहरी नींद आती है कि जिस दिन हम प्राण मुद्रा नहीं लगाते हैं तब हमें लगता है कि ओह, आज नींद में मजा नहीं आया. बहुत गहरी एकदम. और सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश उठते हैं, दिमाग एकदम शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है. तो हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल था, हमारा यह प्रोटोकॉल था, हर रात को सोने के टाइम प्राण मुद्रा लगाइए, सो जाइए, सुबह उठते ही यह पेपर टेप को निकाल के फेंक दीजिए. हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, 6th प्रोटोकॉल है, खाने का कोपरे का तेल. कोपरे के तेल के अंदर लॉरिक एसिड होता है और लॉरिक एसिड करने से हमारे जब भी वायरस हमारे पर आता है तो वायरस का जो एनवेलप है वह एनवेलप नष्ट हो जाता है. इससे फिर वायरस ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता. तो जब भी मैं बाहर निकलता हूं, अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए ये किया था, अभी मैं ये टेप को निकाल देता हूं. और मैं तो बहुत टेप को निकालता हूं तो भी इस तरह से निकालता हूं ताकि दोबारा वापस यूज में आ जाए. तो कोकोनट ऑयल जब भी मैं घर के बाहर निकालता हूं तो अपने जो भी खुला हुआ हिस्सा है, मुंह,
सर, हाथ, पैर, नाखों के नॉस्ट्रियल के आउटर टिप में मैं उसे लगाकर ही बाहर निकलता हूं, ताकि कोरोना वायरस अगर गिरता भी है तो बहुत ज्यादा तकलीफ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है भ्रामरी प्राणायाम। इन दिनों बहुत रिसर्च हुआ है भ्रामरी प्राणायाम पर, और कहते हैं कि काफी लोगों ने रिसर्च किया है, कहते हैं कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ये जो भ्रामरी प्राणायाम में जो वाइब्रेशन होता है उससे नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा हमारे फेफड़ों में बढ़ती है, और नाइट्रस ऑक्साइड का एक गुणधर्म है एंटीवायरल। तो एंटीवायरल उसकी प्रॉपर्टी होने से वह हमको इस महामारी में बहुत यूजफुल होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमारे दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर देंगे, बाकी उंगलियों को आंखों पर रख देंगे, गहरी सांस लेंगे और मुंह बंद रखेंगे, और मुंह बंद रख के मधुमक्खी जैसे आवाज़ करती है उस तरह से हम आवाज़ करते हुए सांस को निकालेंगे, इस तरह से। यह हमारे शरीर के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है, जो एंटीवायरल है और कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर स्प्रेड नहीं होने देता। सुबह उठते ही 5 राउंड भ्रामरी प्राणायाम कर दिया, रात को सोने से पहले 5 टाइम भ्रामरी प्राणायाम कर दिया, दिन में जब भी आपके पास समय है तो 1-2 मिनट 1-2 भ्रामरी प्राणायाम के राउंड कर दिए। खाने के 2 घंटे के भीतर भ्रामरी प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा आखिरी प्रोटोकॉल है प्रेयर्स, प्रार्थना। क्यों हम हिंसा करते हैं? अगर मेरा भाव ही नहीं है आपको इजा पहुंचाना, आपको हर्ट करना, आपको दुख करना, तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके पड़घा स्वरूप आप में भी मुझे हर्ट करने का, मेरी हिंसा करने का भाव ही नहीं पैदा होगा। तो क्यों ना हम सब इस प्रकृति के अंदर मिलजुल के हार्मनी में रह पाए। तो हर रोज सुबह और हर रोज रात को मैं ये प्रार्थना करता हूं, जिस भी भगवान में आप यकीन करते हो, भगवान, अल्लाह, जीजस, वाहेगुरु, जिसमें भी, मैं दादा भगवान में बिलीव करता हूं तो मैं दादा भगवान बोलूंगा, आपको जिसका भी आपको बिलीव करना है आप करिए। तो मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूं, हे दादा भगवान, हे कोरोना वायरस के अंदर बैठे शुद्धात्मा भगवान, मैंने आज तक आपको जितना भी दुख पहुंचाया था, हिंसा पहुंचाई थी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अब हे कोरोना वायरस के अंदर बैठे शुद्धात्मा भगवान, मुझे आपको किसी भी तरह से दुखी नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, आप भी इस प्रकृति में सुख शांति से जिए और मुझे भी इस प्रकृति में सुख शांति से जीने दीजिए। न मैं आपको दुखी करूंगा, हर्ट करूंगा, न ही आप मुझे दुखी करिए, हर्ट करिए। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। क्यों ना हम सब हार्मनी में, एक दूसरे के साथ समन्वय में जी सकते हैं। तो मित्रों, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको कोरोना महामारी के पहले, कोरोना महामारी के दरमियान
और कोरोना महामारी के बाद भी आपको खूब लाभ पहुंचाएंगे। ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए थे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो मुद्रा विज्ञान के बारे में अध्ययन किया है, आहार विज्ञान के बारे में अध्ययन किया है, अभ्यंग विद्या विज्ञान के बारे में अध्ययन किया है, सुजोग एक्यूप्रेशर विज्ञान के बारे में अध्ययन किया है, इन सारे विज्ञानों के यूज करते हुए इन प्रोटोकॉल्स को हमने बनाने की कोशिश की है। तो कृपया आज से ज़रूर आप और अपना पूरा परिवार इन प्रोटोकॉल्स का पालन करें। भगवान चाहेगा आप इस कोरोना महामारी में बहुत ही अच्छे से स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से इस कोरोना महामारी से गुजर जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। भगवान से प्रार्थना करूंगा आप एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।